अंकिता राठौर निवासी इंदौर के कई दिनों से लापता होने के बाद परिवारजनों द्वारा दिनांक 17/10/2024 को इंदौर थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई। बता दें, राठौर समाज की बेटी को हसनैन अंसारी जबलपुर ने 12 नवंबर को विवाह का आवेदन प्रस्तुत किया, जिससे अंकिता राठौर के माता पिता समाज आहत होकर नाराज है और अपहरण करके अंकिता को जबरन कैद कर रखा है, उसे मुक्त करवाए जाने की अपील की और राठौर समाज गंज बासुदा और हिंदुवादी संगठनों के साथ SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं संदर्भ में गंज बासुदा छत्री राठौर समाज अध्यक्ष ब्रजेश राठौर ने कहा कि हमारे समाज की बेटी अंकिता राठौर को जल्द से जल्द ढूंढ कर उसके माता पिता को सौंपा जाए। अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर रहेगा, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। वहीं ज्ञापन देने राठौर समाज अध्यक्ष ब्रजेश राठौर, कोषाध्यक्ष राजू राठौर, महामंत्री तखत सिंह, उपाध्यक्ष खिलान सिंह, हिंदुवादी संगठन सौरभ सक्सेना, रिंकू रघुवंशी, गोरक्षा मंच जिला अध्यक्ष विशाल आदि अधिक संख्या में लोग उपस्थित रहे। गंज बासुदा से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट। जे हमारी सबसे पहले हम ये कहेंगे, सब आप हम हिंदू हैं, इसी संबंध में एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान लड़के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसको भैला पुरस्कार कर ले गया गया है, जिसका नाम इंदौर की लड़की अंकिता राठौर, लड़के का नाम है अंसेर अंसारी और इसने जबलपुर से है लड़का, तो इसने है ना बेला फुसला कर ले गए। अभी तक माता पिता को लड़की नहीं मिली है, वो 4 दिन से माता पिता उसके जबलपुर में है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सूचना प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। आगे बासुदा समाज द्वारा अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बासुदा समाज आगे होकर उग्र आंदोलन करेगा, इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि माता पिता को जल्द से जल्द लड़की सौंपी जाए, अंकिता राठौर।